हिमालय, जिसका वास्तविक मतलब होता है बर्फ का निवास। और ये वो जगह है जहाँ पे सनातन धर्म के वेद ग्रंथ, उपन्यास या भागवत सब यहीं पे लिखे गए हैं। अब यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि आप ईश्वर की प्रशंसा जरूर करते हो, और यहाँ पे ईश्वर के आराधना में ही परम संतुष्टि मिलती है। जितने भी पवित्र नदियां हैं वो भी हिमालय की गोद से ही निकलती हैं। उनमें से दो नदियां हैं, गंगा और यमुना। इन दोनों नदियों के साथ हमारी आस्थाएं इतनी जुड़ी हैं कि हमने इनके उत्पन्न हुए स्थान पे मंदिर बनाया है, जो है गंगोत्री और यमुनोत्री, जहां हम इन्हें गंगा माता और यमुना माता के नाम से पूजते हैं। इन दोनों नदियों के जल इतने पवित्र हैं कि ये देवताओं को भी पसंद है। उनमें से दो देवता हैं, श्री केदार बाबा और श्री बद्री विशाल। इसलिए बाबा और बद्री विशाल जी को प्रसन्न करने के लिए लोग हर साल गंगोत्री से गंगा जल और यमुनोत्री से यमुना जल लेकर पहुंचते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ, जहां पे बाबा और बद्री विशाल जी का निवास है। इस यात्रा की शुरुआत लोग ज़्यादातर हरिद्वार से करते हैं, और इसमें पहला पड़ाव होता है यमुनोत्री, फिर दूसरा गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंतिम में बद्रीनाथ। ये यात्रा जितना कठिन होता है उतना खूबसूरत भी है। कठिन है क्योंकि इसमें पद यात्रा काफ़ी लंबी होती है, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए ये खूबसूरत वादियाँ आपका बहुत मदद करते हैं। वैसे लोग इस पद यात्रा को भी आस्था का प्रतीक मानते हैं और भगवान का नाम लेते हुए इसे पूरा करते हैं। लोग तो ये भी मानते हैं कि सिर्फ भाग्यवान इंसान ही इस यात्रा को पूरा कर पाते हैं। अब ये सब जानने के बाद मैंने सोचा, ट्रेकिंग तो बहुत किया है, चलो इस बार तीर्थ पदयात्रा करते हैं और पता करते हैं कि मैं उन भाग्यवान इंसानों में से एक हूं कि नहीं। तो चलिए भगवान का नाम लेते हुए शुरू करते हैं भारत की पवित्र छोटी चारधाम यात्रा। जय भोलेनाथ।